कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। चंदौली के रास्ते राहुल गांधी की यात्रा करीब 3 बजे बिहार से उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। आज से ही इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। बता दें, शुक्रवार को राहुल गांधी वाराणसी में ही आराम करेंगे। ये यात्रा अमेठी और लखनऊ से होकर गुजरेगी। यात्रा अगले 6 दिनों में 13 जिलों को कवर करेगी। राहुल गांधी वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। वहीं यात्रा में प्रियंका गांधी के शामिल होने की वजह से उनके रायबरेली सीट से लड़ने के भी कयास तेज हो गए हैं। बता दें, सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखकर बता दिया है कि रायबरेली सीट से लोकसभा का चुनाव वे नहीं लड़ेंगी। वहीं उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव का पर्चा भी दाखिल कर दिया है। जानकारों का मानना है कि अपनी मां सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं। सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को एक भावुक पत्र भी लिखा। पत्र में उन्होंने कहा, आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, लेकिन मेरी बढ़ती उम्र और बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकूंगी। उन्होंने रायबरेली की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि रायबरेली में उनके परिवार की जड़ें बेहद गहरी हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आप भविष्य में भी मेरे परिवार के साथ खड़े रहेंगे। मैं इस फैसले के बाद सीधे आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी आत्मा और हृदय हमेशा आपके साथ रहेगा। बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 19 फरवरी को अमेठी पहुंच सकती है। इसके अगले ही दिन ये यात्रा रायबरेली में होगी। बीते 2 सालों में इन क्षेत्रों में ना तो राहुल गांधी पहुंचे हैं और ना ही प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने 2014 में अमेठी से जीत दर्ज की थी, वहीं 2019 में स्मृति ईरानी के मुकाबले में उनकी हार हुई। 22 फरवरी को राहुल गांधी की ये यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। बताते चलिए, रायबरेली की सीट 1952 से ही गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। हालांकि इंदिरा गांधी को इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था। आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव में वे राजनारायण के सामने 50,000 वोटों से हार गई थी। पहली बार इस सीट पर फिरोज गांधी सांसद बने थे। इसके बाद 1962 में आरपी सिंह ने सीट पर कब्जा कर लिया। 1967 में फिर से इंदिरा गांधी ने यहाँ जीत दर्ज की और 1980 में फिर से नेहरू परिवार की शीला कौल ने यहां से चुनाव जीता। इसके बाद गांधी परिवार के करीबी सतीश शर्मा इस सीट पर 2 बार सांसद रहे। 1998 में इस सीट पर भाजपा का भी कब्जा रह चुका है। यहां से अशोक सिंह जीते। 1999 के बाद सोनिया गांधी यहां से लगातार सांसद रही हैं।